नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। ये हमारी एक और एक नई प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर हम आप लोगों को आरएससीआईटी बुक के अंदर जो 16 चैप्टर्स है उन 16 चैप्टर्स के अंत में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इस तरीके से इन क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीट करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमने दो वीडियो बना दिए हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर चैप्टर्स के एंड में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 7-8 क्वेश्चन होते हैं, 8 या 10 से क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपका अध्याय 3 के क्वेश्चंस है और यहां पे आज हम अध्याय 3 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि चैप्टर के एंड में होते हैं। और ये हमारी पूरी जो है एक सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट है इसकी पूरी, आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और भी जो है प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हम प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं, दूसरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एक जो है अपडेट्स की रिगार्डिंग, आरएससीआईटी अपडेट्स की रिगार्डिंग, और तीसरा आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हम आरएससीआईटी के जो बुक के चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को वीडियोज़ की फॉर्म में जो है आप लोगों को समझा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग टू आरएससीआईटी और आप उन वीडियोज़ को देख करके अपने आगामी आरएससीआईटी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th की तैयारी करवा देता हूं। यहां पे ये हमारे सामने चैप्टर 3rd है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो, और इसके अलावा हमारे सामने चैप्टर 4 है, इसके भी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, ये हमारे सामने चैप्टर 4 है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। चैप्टर्स के एंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं, एक वीडियो में दो चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, यानी कि करीब आपके 16 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये आपके लिए काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको एक वीडियो के अंदर दो चैप्टर यानी कि जल्द ही आपके पूरे 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए हम जो है चैप्टर 3rd यानी कि ये वाला, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं जो कि ये है। चलिए इनके आंसर्स भी आपको नीचे दिखाई देते हैं, यहां पर नीचे आपके आंसर्स भी होते हैं, आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को समझाते हुए चलता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला हम जो है दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1। तो यहाँ पे आप ये एक नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्या क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचाने पुनर्स्थापित करें। तो असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो है आपका सी, इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार ले लेता हूँ अलाइनमेंट में और इसको मैं जो है हाईलाइट कर देता हूँ, ये है आपका असत्य कथन, ठीक है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क्रिक्ट स्थान बढ़ा सकते हैं, ये गलत है क्योंकि रिसाइकल बिन में हम जो फाइलें भेजते हैं उनको हम डिलीट करते हैं और उससे डिस्क का जो स्पेस होता है वो बढ़ता है, न कि वो भरता है, ठीक है। बढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि उसे हम खाली करते हैं रिसाइकल की मदद से डिलीट करके फाइल्स को, तो ये एक जो है असत्य कथन है। बाकी आपके तीनों कथन जो है सही है, चाहे फिर वो ए हो, बी हो या फिर डी हो, सी या इसका इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या क्वेश्चन हमारे सामने, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका यूनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है, तो वो है आपका यूनिक्स, ना लिनक्स है, ना मैक ओएस है, ना विंडोज़ है, ठीक है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का जो एक उदाहरण है वो आपका यूनिक्स ही होता है, ठीक है माय फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं, तो यहाँ हमारे सामने 3rd क्वेश्चन है ये रहा, इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों देखो इनमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे एप्लीकेशन के नाम दिए हुए हैं इनमें सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। वैसे तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, विंडोज़ एक्सपी, ठीक है। ये क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपका फोटोशॉप, अडोब रीडर या फिर वीएलसी प्लेयर, ये सब आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, पर यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि काफ़ी टाइम पहले तक चलता था, उसके बाद से जो है बहुत सारे आप जानते हो विंडोज 7, विंडोज 8 और हम 10, 11 तक भी हम यूज कर रहे हैं। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे सामने 4th क्वेश्चन ये रहा, और 4th क्वेश्चन क्या कहता है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन
है और उस पर दिनांक समय प्रदर्शित डिस्प्ले किया गया है। तो दोस्तों जो चौथे का राइट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक व समय प्रदर्शित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सिस्टम ट्रे। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये पांचवा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ, पढ़ने में आसानी होगी हमें। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, ये हमारा आ गया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये है इसका राइट आंसर डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस डोज। ठीक है, ये एमएस डोज इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहा हूँ, आप भी अपनी बुक खोल के रखिए और चाहे तो आप एक नोटबुक में इन्हें नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हम आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें आंसर्स सबकॉन्शियसली बैठते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, हमेशा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने के बाद में आंसर्स देखें, जिससे कि आपकी तैयारी भी होगी और आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे सामने है 6 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर वैसे तो सी है, पर हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं होता? तो दोस्तों ऐसा केवल सिर्फ एक में होता है, वो है आपका विंडोज़ 8। सो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपके इसके आंसर को जो है हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं होता, कौन से विंडो में जो है प्रारंभ का बटन, स्टार्ट का बटन नहीं होता? जो विंडोज़ 8 होता है उसी के अगर आप लेफ्ट हैंड के डाउन कॉर्नर में देखते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको विंडो का बटन दिखाई देता है, बल्कि स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो विंडो 8 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों जो 7वें का राइट आंसर है वो है आपका ओरेकल, जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, आपका डोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे हैकर्स लोग यूज़ करते हैं, और विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। एकमात्र ओरेकल यहाँ पे है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। 8वां हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक, अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, एक उस डिस्क पर जहाँ फाइलों को संग्रह स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, फोल्डर, यहाँ पे मैं फोल्डर पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। एक फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपयुक्त सही, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। पहले मेरा आंसर को हाईलाइट कर देता हूँ, देन अपन इनको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है आप विंडोज स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए 10th देख लेते हैं। 10वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाए, देख पाए, अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टिक ले जाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका डी, यहाँ पे ए और बी दोनों। तो ए क्या है? ए है आपका निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, और बी क्या है आपका? उस निर्देशिका के अंदर सभी निर्देशिका चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तो वैसे तो ए
और बी है, पर हम एग्जाम की दृष्टि से जो है डी करके आएंगे, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जो है अध्याय चार देख लेते हैं, चैप्टर फोर देख लेते हैं, जो ही है आपका इंटरनेट का परिचय। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि चैप्टर के एंड में होते हैं वो ये रहे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर अध्याय फोर इंटरनेट का परिचय, और इसके भी आपके जो है टोटल आपके क्वेश्चन 10 है, तो इनको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहे। हम जो है ऑलरेडी तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा, जिसमें आपका अपने कंप्यूटर को जाने ये अध्याय वो था, और अब यहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये रहा हमारे सामने चैप्टर, और ये आपका चैप्टर का आप देख सकते हो फोर्थ चैप्टर, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लास्ट के ये रहे। यहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं जो कि चैप्टर के एंड में होते हैं। अगेन याद दिला दूँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, RS-CIT रिगार्डिंग हम बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट अपलोड कर रहे हैं। CNC सदैव आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा कॉन्टेंट अपलोड करता रहता है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करके। चलिए दोस्तों अध्याय चार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जो कि इंटरनेट का परिचय आपका चैप्टर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका वैसे तो डी है, क्योंकि इसमें आपका शिक्षा, संचार, वित्तीय लेन देन सब चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, उपयुक्त सभी डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आप इससे संचार कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, आप इससे वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाता है आपका डी। परीक्षा की दृष्टि से आपको डी करके आना है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछे जाते हैं। इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, तो संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, डी आपको करके आना है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुँचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो इनमें से क्या चीज़ जो उसको आवश्यक पड़ती है, वो है आपका उपरोक्त डी, उसे इंटरनेट सेवा चाहिए, मॉडम चाहिए, या वेब ब्राउजर चाहिए, या तीनों चीज़ उसे चाहिए चाहिए। ठीक है, तो डी हम राइट आंसर कर देते हैं, और उसे वेब ब्राउजर चाहिए भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, मॉडम भी चाहिए रहता है अगर उसके पास इंटरनेट नहीं है तो, और इंटरनेट सेवा तो उसको चाहिए ही रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने अगला है तीसरा क्वेश्चन, ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसे आप सब जानते होंगे वैसे तो, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ए इसका राइट आंसर है। ये आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो भी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जी होते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा करवाया जाता है। ISP की फुल फॉर्म भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने अगला क्वेश्चन है ये रहा, जो कि ब्राउजर से संबंधित है। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, एक वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, ये आप सब लोग जानते हो, इसे यूज भी करते हो, ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, तो चौथे का राइट आंसर हो जाता है आपका बी, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, ठीक है, इसको आप ए और बी भी नहीं कह सकते, उपरोक्त डी हो ही नहीं सकता। तो आपका एक वेब ब्राउजर क्या हो जाता है, वेब ब्राउजर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है, तो आपका चौथे का बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मोडेम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम हमसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, राइट आंसर है आपका ए, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर हम इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है, और हमसे URL की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, URL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार आया है, हर बार लगभग पेपर में आ ही जाता है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसका राइट आंसर है माई फ्रेंड्स वो है आपका ए, इसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है, पूर्ण रूप होता है, इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे सामने 7वें नंबर का क्वेश्चन है, और 7वें नंबर का क्वेश्चन भी हमें एक पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, WWW का पूर्ण रूप क्या है। इसे आप सब यूज करते हैं, जानते भी होंगे, और इसका पूर्ण रूप भी आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर है बी, वर्ल्ड वाइल्ड वेब, राइट आंसर हो जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड वेब। ना आपका ए है, ना सी है, ना डी है, राइट आंसर है आपका बी, वर्ल्ड वाइल्ड वेब,
देखो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, डी के अंदर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है वाइल्ड वेब ऑफ वर्ल्ड अलग अलग तरीके से, पर इसका राइट आंसर है आपका वर्ल्ड वाइल्ड वेब। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, तभी आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे सामने ये रहा आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कहता है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो दोस्तों इनमें से ईमेल क्लाइंट क्या है, तो जीमेल जो है आपका वो ईमेल क्लाइंट होता है। गूगल की सर्विस होती है जीमेल, और हम जानते हैं उससे हम ईमेल कर सकते हैं। जीमेल यानी कि गूगल मेल, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के कई प्रकार होते हैं, उदाहरण के तौर पे याहू मेल हो गया, गूगल मेल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट मेल हो गया, वैसे ही जीमेल होता है गूगल मेल, पर इनका काम एक ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी संदेश को भेजना ईमेल कहलाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नाइन्थ नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा, इसका राइट आंसर है आपका गूगल। इसे हम सब यूज करते हैं, गूगल इसका राइट आंसर हो जाता है। पेटीएम एक तरीके का वॉलेट है, फ्लिपकार्ट आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और डी आपका हो नहीं सकता क्योंकि इनमें से तो ऐसा कुछ है नहीं, तो गूगल आपका सर्च इंजन होता है। तो हम बी को राइट आंसर यहाँ पे कर चुके हैं। यू कैन राइट दिस, ये सारी चीज़ें आप जो है लिख सकते हो एक नोट डाउन में, एक नोटबुक में, और आप याद कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दो तीन बार भी देख सकते हैं, या फिर पूरे प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे सामने है दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है DNS का पूर्ण रूप क्या है। DNS की हमसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि DNS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है आपका ए। तो मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है, और ये आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको तीसरे और चौथे अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए। ये आपके चौथे अध्याय के लास्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, चौथा अध्याय, और ये थे आपके तीसरे अध्याय। यहाँ पे आप देख सकते हो अध्याय तीन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, और यहाँ पे ये आपका आपके तीसरे चैप्टर का एक फ़ोटो भी मैंने ले रखा था। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो ये मैंने आप लोगों को RS-CIT बुक के अध्याय तीन, अध्याय चार के अंत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीट करवाया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपके जल्द ही RS-CIT एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवंबर को, 28 नवंबर को 2021 को आप एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे हमने आपके लिए हर एक तरीके की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई है। RS-CIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम सॉल्व पेपर बता रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स बता रहे हैं, और आपके RS-CIT अपडेट्स के रिगार्डिंग, और है आपके एक RS-CIT चैप्टर ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग, जिसमें हम पूरे 16 चैप्टर्स को कवर करवा रहे हैं, और एक है आपके RS-CIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक के, जो इंपॉर्टेंट RS-CIT बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हम आप लोगों को इन चैप्टर्स के अंत में जो क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CNC सदैव आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।